नमस्कार, इंडिया न्यूज 64 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से है। सब्जी मंडी व्यापारियों की हड़ताल जारी रही। आपको बता दें, थोक फल एवं फुटकर सब्जी मंडी व्यापारियों से उधार में सब्जी लेने पर अधिक टैक्स वसूल करने को लेकर आजाद मंडी फुटकर सब्जी विक्रेता संघ की ओर से सोमवार को भी दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि सब्जी के फुटकर व्यापारियों की रविवार रात को बैठक हुई, जिसमें सोमवार को भी घंटाघर सब्जी मंडी सहित शिवाजी पार्क व पुराना कटला स्थित सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपने दुकान बंद रखने का फैसला किया। वहीं विक्रेताओं ने बताया कि 10% टैक्स वसूल किया जा रहा है, जबकि मंडी में 6% आदत और 1% मंडी शुल्क लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सैनी। आपने जो आरती द्वारा जो गवर्नमेंट ने 7% तय किया हुआ है, ये आरती लोग 10% लेते हैं और उनका हमको कोई पक्का बिल नहीं देते हैं। मतलब क्या है, पक्का बिल मांगते हैं तो ये नाजायज तौर पे कह देते हैं, हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना तो ये हमारे माल बंद कर देते हैं और हमें पक्का बिल देते हैं ये। और मतलब क्या है, जिससे पक्का बिल मांगते हैं तो ये तुगलक की फरमान जारी कर देते हैं, इनका माल बंद कर दो। तो अब तब तक रखेंगे? अब सर, जब तक हमारी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करेगा तो सही बात। जब गवर्नमेंट से पक्का बिल की हमें मांग की मंजूरी है, जो माल बेचते हैं उसको पक्का बिल दिया जाए, हमें दे बिल नहीं देते। एक तो सही है।